नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं प्रेरणा हाजिर हूं दिन भर के कोरोना अपडेट के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के कुल नए मामले कितने आए, कुल मौतें कितनी हुई बीते 24 घंटे में, वो प्रभावित 5 जिले कौन से हैं, जिलों में वो बीते 24 घंटे में कितने केसेस आए इन जिलों में, और इसके साथ ही साथ कुल एक्टिव केसेस इन जिलों में कितने हैं। शुरुआत बीते 24 घंटे में आए नए कोरोना मामलों की करेंगे। तो बीते 24 घंटे में बिहार में कुल जो है 11,489 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल बिहार में 69,868 पहुंच चुका है, और इसके साथ ही साथ बीते 24 घंटे में पटना में अकेले 2,634 नए मामले सामने आए। बता दें कि पटना सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला है, और इसके साथ ही साथ अन्य 5 ज़िले जिनका मैं यहाँ जिक्र करूँगी उनमें गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद और सारण है, जहां रोज़ाना जो है आंकड़े ताबड़तोड़ जो है रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं पुराने और नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 602 नए मामले सामने आए, गया में 945 नए मामले सामने आए, बेगूसराय में 530, औरंगाबाद में 498, सारण में 441। ये बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं। अगर आप कुल एक्टिव केसेस की संख्या की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुल एक्टिव केसेस की संख्या पटना में फिलहाल 16,547 है, यानी सबसे ज़्यादा मरीज पटना में है। गया में 5,644, मुजफ्फरपुर में 4,304 मामले हैं, औरंगाबाद में 2,883 और भागलपुर में 3,116। ये कुल एक्टिव केसेस की संख्या है। इसके साथ ही साथ अगर कोरोना से हुई मौतों की बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल 59 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। वहीं अब तक जो है कुल मिलाकर मौतों की चर्चा करें तो 1900 के करीब मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से, और बीते 24 घंटे में 59 लोगों की मौत हुई है। अब बात आखिरी पड़ाव में आते आते पटना हाईकोर्ट की करेंगे, जहाँ बिहार सरकार कोरोना को लेकर क्या कुछ काम कर रही है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, मरीजों के साथ कैसा बर्ताव है, मरीजों को क्या बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, बिहार सरकार किस किस स्तर पर फेल है, ये तमाम जानकारियां पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार से ले रहा है, क्योंकि इस मामले में पिछले साल ही एक PIL दाखिल की गई थी। अब ये जो मामला है दोबारा उठा है, और पटना हाईकोर्ट में रोज़ाना इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। बिहार सरकार रोज़ाना अपना पक्ष रखती है। बिहार सरकार इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो हम सबको डरा सकती है, हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है। बिहार सरकार ने कहा है कि अगले 10 दिनों में रोज़ाना बिहार से 20,000 नए मामले सामने आएंगे, यानी जो आंकड़े अभी 10,000 और 10,000 के ऊपर हैं, यानी 10,000 12,000 के बीच, वो आंकड़े बढ़कर आगे आने वाले दिनों में 20,000 तक पहुँच सकते हैं, और अगले 10 दिनों में जो है वो 2,00,000 नए मामले बिहार से सामने आ सकते हैं। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, ये चौंकाने वाला प्रेडिक्शन है जो बिहार सरकार ने किया है। अब इस प्रेडिक्शन का आगे क्या हाल होगा, क्या ये प्रेडिक्शन जो है वो सच होगा, या हम अपनी कोशिशों की वजह से, लगातार जो हमारी कोशिशें चल रही हैं, हम लगातार जो कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, अगर वो करते रहें तो क्या ये प्रेडिक्शन गलत साबित होगा, ये सवाल हालांकि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल ये चेतावनी हम सब के लिए काफ़ी डराने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें, और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।